पूरे प्रदेश में शुक्रवार को कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा का आह्वान किया और इसी कड़ी में विदिशा में भी यात्रा निकाली गई। कृषि उपज मंडी मिर्जापुर से यात्रा शुरू हुई, जिसमें से ट्रैक्टर ट्रॉली चार पहिया वाहन दो पहिया वाहन भी शामिल रहे। एसडीएम क्षितिज शर्मा को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए किसानों को 6000 रुपए प्रति क्विंटल के दम पर सोयाबीन सहित अन्य फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की गई। अब इसके अलावा महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन में मांग उठाई गई है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली के दौरान दो महिला नेतृत्व भी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। प्रदेश के पूर्व महासचिव और इस यात्रा के जिला प्रभारी संजीव सक्सेना, जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी सहित कई कांग्रेस नेता और किसान रैली में शामिल हुए। विदिशा से अजय सिकलवार की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी का मिशन है कि समाज के हर तबके को न्याय मिले, और आज इसीलिए जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। न केवल किसान न्याय यात्रा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसानों को 2700 रुपए गेहूं का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके अलावा सोयाबीन की फसल के लिए 6000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग हम कर रहे हैं, और उसके अलावा किसानों की सोयाबीन का दाम 6000 होना चाहिए और धान का दाम 3100 होना चाहिए, गेहूं का दाम बढ़ना चाहिए, एमएसपी से कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि जो छोटा किसान अगर मंडी में साहूकार को भी जल्दी है, उसे अगली फसल की बुआई करनी है, तो कोई भी कुछ भी बोली लेके उसकी मजबूरी का फायदा उठा के न खरीदे। इसको कानूनी मान्यता होनी चाहिए स्वामीनाथन फॉर्मूले से, ताकि अगर कम पैसे में खरीदी हो तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। किसान की अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं, इसके खिलाफ ये रैली है। किसानों की डीपी उठा लेते हो आप फसल के समय, अरे भाई कुछ रिश्ता बनाइए, अगली बुआई से पहले आप डीपी उठा लो तो कम से कम फसल बेच के वो आपका बिजली का बिल दे देगा। पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में किसान परेशान है। सोयाबीन की फसल कटने को तैयार खड़ी है, कुछ जगह कट गई है, और सोयाबीन का भाव मंडी में 3,350 और 3,800 चल रहा है। किसान को भयंकर घाटा हो रहा है। हमारी कांग्रेस के ही पूरे मध्य प्रदेश में मांग है कि सोयाबीन का भाव 6000 रुपया प्रति क्विंटल किया जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, और शासन की जो गलत नीतियां हैं जिनसे किसान बर्बाद हो रहा है उन नीतियों को बदला जाए और समर्थन मूल्य पे सभी फसलों को खरीद की जाए।